गुरु जी, प्राइमरी एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि यह वीडियो ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के भाग चार के प्रशिष्ट पाँच पर आधारित है। प्रशिष्ट पाँच जो है वह ध्यानाकर्षण शिविर हेतु समय सारणी और उसके कार्य योजना तालिका पर आधारित है। तो चलिए, इस वीडियो में हम आपको आगे ले चलते हैं। ये है प्रशिष्ट पाँच, ध्यानाकर्षण शिविर हेतु समय सारणी। इस समय सारणी में देखिए, समूह, प्रार्थना सभा, प्रथम वादन, द्वितीय वादन, मध्यावकाश, तृतीय वादन, चतुर्थ वादन और सांध्यकालीन सभा। इस प्रकार चार वादन में ध्यानाकर्षण शिविर हेतु समय सारणी विभाजित की गई है, जिसमें समूह, तीन समूह बनाए गए हैं। समूह में एक में कक्षा एक से तीन के अधिगम स्तर वाले बच्चे हैं, समूह दो में चार पाँच के अधिगम स्तर वाले बच्चे हैं, समूह तीन में कक्षा छः से सात के अधिगम स्तर वाले बच्चे हैं। तो प्रार्थना सभा जो है वो 7:45 से 8 बजे तक है। प्रथम वादन 8 से 9 बजे तक है, यानी 1 घंटे का। प्रथम वादन में हमें गणित, अंग्रेजी, संस्कृत और गणित तीनों समूह का इस प्रकार से शिक्षण कार्य करना है। द्वितीय वादन 9 से 10 बजे तक है, इसमें हिंदी और हमारा प्रवेश तीनों समूह का शिक्षण कार्य करना है इस प्रकार से। और फिर मध्यावकाश है 10 से 10:30 बजे के बीच। फिर तृतीय वादन आता है 10:30 से 11:30 बजे, इसमें है समूह एक में हमारा प्रवेश, समूह दो में गणित, समूह तीन में अंग्रेजी या संस्कृत। फिर नंबर आता है चतुर्थ वादन का, ये है 11:30 से 12:30 बजे तक, इसमें समूह एक में अंग्रेजी या संस्कृत है, दो में हमारा प्रवेश है और तीन में हिंदी है, समूह तीन। तो सायंकालीन सभा जो है 12:30 से 1 बजे के बीच है। इस सभा में हमें व्यायाम, खेल, बाल सभा, कला, हिंदी, सुलेख, श्रुतलेख, संगीत, नैतिक शिक्षा आदि कार्य करवाने हैं। यह ध्यानाकर्षण शिविर की समय सारणी जो है वह 50 कार्य दिवस के लिए है। 50 कार्य दिवस तक यह सारणी कार्यान्वित रहेगी। हम आगे बढ़ते हैं। ध्यानाकर्षण शिविर या साप्ताहिक शिक्षण तकनीकियों के प्रयोग की कार्य योजना, तो जो 50 कार्य दिवस का शिविर रहेगा उसकी ये कार्य योजना की तालिका बनाई गई है, जिसमें अवधि दिया गया है, कक्षा शिक्षण के लिए चयनित तरीके दिए गए हैं कि किस सप्ताह कौन सा तरीका अपनाना है और लर्निंग आउटकम्स दिए गए हैं। शैक्षिक संप्राप्ति का स्तर क्या रहेगा वह हम शिक्षक इसका चयन स्वयं कर सकते हैं। प्रथम सप्ताह 1 से 7 दिन तक, इसमें शिक्षण तकनीक जो चयनित की गई है, संसाधनों से पूर्ण कक्षा, कक्ष का वातावरण और बैठक व्यवस्था, कक्षा प्रबंधन और रोचक प्रस्तावना। द्वितीय सप्ताह जो है 8 से 15 दिन तक, रोचक प्रस्तावना, शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग, शैक्षिक गतिविधियां या नवाचार और सरल से कठिन की ओर का प्रयोग। तृतीय सप्ताह में 16 से 23 दिन तक, शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग, शैक्षिक गतिविधियां, नवाचार, प्रश्न पूछना और प्रोजेक्ट कार्य है। फिर चतुर्थ सप्ताह है 24 से 31 दिन तक, इसमें है शैक्षिक गतिविधियां, नवाचार, प्रश्न पूछना और तीसरा है सीखने के लिए बातचीत। पांचवा सप्ताह है सीखने के लिए बातचीत, सीखने के लिए कार्यपत्रक का उपयोग, सभी को शामिल करना और शैक्षिक भ्रमण। अष्टम सप्ताह है 40 से 47 दिन तक, समूह कार्य, जोड़ी में कार्य, सीखने के लिए बातचीत और सकारात्मक प्रतिपुष्टि। सप्तम सप्ताह और आखिरी सप्ताह है 48 से 50 दिन तक, यानी कुल 3 दिन का, इसमें है शिक्षण तकनीक जो प्रयोग किया जाएगा वह परिवेशीय संसाधनों का उपयोग है, अभ्यास के अवसर देना और अर्जित ज्ञान की पुनरावृत्ति, अंत में है शैक्षिक भ्रमण। तो इस प्रकार यह ध्यानाकर्षण शिविर साप्ताहिक शिक्षण तकनीकियों के प्रयोग की कार्य योजना है, इसे हम इस प्रकार बना सकते हैं। विशेष इसमें नोट दिया गया है, प्रत्येक सप्ताह सभी शिक्षक समूह की आवश्यकताओं के आधार पर लर्निंग आउटकम का चयन करेंगे, उनकी वरीयता का क्रमबद्ध रूप में ध्यान रखेंगे तथा उनका पाठ्य पुस्तकों, कार्य पुस्तिका तथा अन्य सामग्री से सहसंबंध अवश्य बनाए रखेंगे। दूसरा है, प्रत्येक सप्ताह सभी शिक्षक अपने कक्षा शिक्षण के लिए 3-4 शैक्षिक
तकनीकियों को मुख्य फोकस में रखते हुए कार्य करेंगे। कुछ तकनीकियों जैसे बैठक व्यवस्था, रोचक प्रस्तावना, प्रश्न पूछना, टेलम का उपयोग आदि की पुनरावृत्ति अवश्य होगी। आगे बढ़ते हैं इसमें अब नंबर आता है कक्षा शिक्षण के दौरान इन्हें ध्यान रखें। यहाँ कुछ बातें दी गई हैं जिन्हें हमें कक्षा शिक्षण के दौरान ध्यान रखना है। यहाँ दो बिंदु हैं, क्या करें क्या ना करें। तो पहले हम क्या करें बिंदु को देखते हैं। पहला है, शिक्षण से पूर्व योजना बनाकर पूरी तैयारी के साथ कक्षा में जाएं। शिक्षण में सभी विद्यार्थियों को शामिल करने का प्रयास करें। बच्चों को आपस में चर्चा पर चर्चा करने के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर दें। फिर कक्षा में गतिविधि के दौरान बच्चों के समूह जोड़े बदलते रहें। समूह कार्य करते समय बच्चों के कार्यों का अवलोकन करें। बच्चों को पाठ्य पुस्तकों, कार्य पुस्तिकाओं में दिए गए अभ्यास कार्यों को अवश्य कराएं। अब है नंबर 6, बच्चों के अपने अनुभवों, कठिनाइयों को व्यक्त करने का मौका दें। प्रतिदिन मौखिक और लिखित दोनों कार्य करवाने का प्रयास करें। बच्चों के अच्छे कार्यों की सराहना पूरी कक्षा के सामने कर उन्हें प्रोत्साहित करें। आकलन करने के बाद बच्चों की त्रुटियों, कमियों पर सकारात्मक फीडबैक दें। फिर बच्चों को बेझिझक प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करें। 11 है, शिक्षण करते समय दैनिक जीवन से जुड़ी घटनाओं के उदाहरण देकर व्याख्या करें। और फिर 12 नंबर है, आवश्यकता अनुसार TLM का उपयोग करें। यह बिंदु जो दिए गए हैं इसे हमें कक्षा शिक्षण के दौरान प्रयोग में लाना है और कक्षा शिक्षण के दौरान क्या नहीं करना है आइए उसे देखते हैं। पहला है, बिना शिक्षण योजना के शिक्षण कार्य नहीं करना है। कक्षों में कभी क्रोध नहीं करना है। बच्चों को व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से टिप्पणी कर अपमानित ना करें। आवश्यकता से अधिक TLM का प्रयोग ना करें। किसी बच्चे को संपूर्ण कक्षा के सामने मजाक ना बनने दें। बच्चों को अस्पष्ट निर्देश ना दें। 7वां बिंदु है, पाठ्य पुस्तकों या कार्य पुस्तिकाओं के अभ्यासों को पूर्ण करते समय बच्चों की त्रुटियों पर हतोत्साहित ना करें। 8वां बिंदु है, बच्चों द्वारा प्रश्न पूछने पर उन्हें हतोत्साहित ना करें। 9वां है, आपका कोई भी कार्य एवं व्यवहार शिक्षक की गरिमा के विरुद्ध ना हो। और जो हमें नहीं करना है उसमें आखिरी बिंदु है 10, बच्चों के मध्य किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना है। या हमें ये 10 बिंदु ध्यान देने हैं जो कक्षा शिक्षण के दौरान हमें नहीं करने हैं। तो इस प्रकार प्रशिष्ट 5 यहीं समाप्त होता है और ध्यानाकर्षण मॉड्यूल भाग 4 यहीं पर समाप्त होता है। तो आप लोगों को हमारा यह वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। अगर इस वीडियो में कुछ त्रुटियां रह गई हो तो उसे आप सुझाव के तौर पर ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने हमारा YouTube चैनल गुरुजी प्राइमरी एजुकेशन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों का यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।